आपके साथ मौरिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार को संयोजक बनने का उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है, उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो देखिए, इंडी गठबंधन की आज वर्चुअल बैठक चल रही है, लगातार सीट शेयरिंग को लेकर संयोजक कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, चेहरा कौन होगा, नीति क्या होगी, फोकस क्या होगा इंडी गठबंधन का, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है। लेकिन इस बीच देखिए, लगातार ये खबरें आ रही थी कि संयोजक नीतीश कुमार बन सकते हैं। और नीरज हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है? बिल्कुल, देखिए अभी जो वर्चुअल बैठक चल रही थी इंडी गठबंधन का, उसमें कांग्रेस की ओर से यह प्रस्ताव दिया गया था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए ताकि कोऑर्डिनेशन ठीक से चले और सीट का बंटवारा जो हो वो आसानी से हो सके। लेकिन नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और साफ तौर पर नीतीश कुमार ने यह कहा है कि अगर कांग्रेस की ओर से कोई बन सकते हैं तो उनको संयोजक बनाया जाए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार का, अगर एक तरह से कहा जाए कि गुस्सा जो है वो खत्म नहीं हुआ, जो नाराजगी जब दिल्ली में बैठक हुई थी उस समय ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं, वो शायद नाराजगी कम होते नहीं दिख रही है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने ये प्रस्ताव ठुकराया है। आज से कुछ दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने बताया था कि नीतीश कुमार को जब अगली बैठक होगी उसमें कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव आएगा कि इनको संयोजक बनाया जाए, लेकिन यह तय है, नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि उनको संयोजक नहीं बनना है। और यही वजह है कि आज जब प्रस्ताव आया, जब ये ऑनलाइन बैठक चल रही थी, वर्चुअल बैठक चल रही थी, उसमें कांग्रेस की ओर से ये प्रस्ताव आया था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको ठुकरा दिया है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के को लेकर आगे बढ़ाने की जो बात चल रही थी वो अब सामने खत्म होते हुए दिख रहा है। लेकिन सूत्र क्या बता रहे हैं, ब्याज से सूत्र क्या बता रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर कहीं पेंच फंसा हुआ है या कोई और नाराजगी अब नीतीश कुमार की सामने आ रही है? क्योंकि पहले तो यही था कि कांग्रेस नाराज हो रही है कि बिहार में जितनी सीटें उन्हें चाहिए थी उतनी दे नहीं रहे नीतीश कुमार, उन्होंने पहले सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय कर लिया है। देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो उतना आसान नहीं होगा महागठबंधन में, क्योंकि साफ तौर पर जेडीयू की ओर से यह पहले कहा जा चुका है और जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री और जो प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि 16 ऐसी सीटें हैं जिस पर उनके पहले से सांसद हैं और एक ऐसा सीट है जिसमें वो दो नंबर पर थे, तो 16 से 17 सीट किसी भी हाल में चाहिए। जबकि जो महागठबंधन के में अन्य घटक दल हैं वो कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 9 से 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो उतना ही सीट तकरीबन आरजेडी को भी चाहिए जितने पर जेडीयू लड़ेगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इतना आसान नहीं है जितना यह कहा जा रहा था कि महागठबंधन में बहुत आसानी से सीट शेयरिंग हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका पेच फंसा हुआ है। और साथ ही ये भी है कि समन्वय, जो पहली मीटिंग हुई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाएंगे, शायद अगर यह प्रस्ताव पहले या दूसरे बैठक में आ गया रहता तो शायद यह नौबत नहीं आई होती। लेकिन नीतीश कुमार अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और अब पार्टी का फैसला उनको खुद लेना है, जो पार्टी का आगे का निर्णय होगा वो फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। ऐसे में आज जब यह प्रस्ताव आया है तो उन्होंने संयोजक बनने से मना कर दिया है, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस के ही किसी बड़े नेता को संयोजक बना दिया जाए और सीट शेयरिंग से लेकर और तमाम बातें जो घटक दलों के साथ होनी चाहिए वही करेंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी, चाहे वो सीट बंटवारे को लेकर हो या फिर जब संयोजक बनाने की बात आई थी उस बात को लेकर हो, तो नीतीश की नाराजगी अभी भी कम होते नहीं दिख रही है और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने संयोजक का पद लेने से मना कर दिया है। चंद्रमोहन, आगे जेडीयू की स्ट्रेटेजी क्या दिखाई देती है?